गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए, लास्ट क्लास हमने जो जो सीखा था सब तो याद नहीं करा सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमें वन मोल का मतलब पता है। वन मोल का मतलब क्या होता है? वन एन ए। अच्छा, वन एन ए का मतलब कितना होता है? हाँ, साथ में बोलते रहिए, 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब ये एटम्स हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये कैटायंस हो सकते हैं, ये एनायंस हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम कहें कि मेरे पास दो मोल मार्कर है, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास 2 × NA के बराबर मार्कर है। कितना है? 2 × NA के बराबर मार्कर है। बात समझ में आ गई? चलिए, और हमने देखा था 1 AMU या 1 U की वैल्यू ग्राम में कितनी आती है? हाँ, 1.66 × 10²⁻²⁴ ग्राम आता है। ऐसे ही अगर हम 1 AMU को या 1 U का मल्टीप्लाई किससे करें? 1 NA से, तो हमें क्या मिलता है? 1 ग्राम मिलता है। चलिए, ये भी हो गया था। उसके बाद हमने मोल्स कैलकुलेट करना सीखा था। हमने दो टाइप से मोल्स कैलकुलेट करना सीख लिया था। पहला, मास की हेल्प से। हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल टू क्या होता है? गिवेन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। दूसरा हमने क्या सीखा था? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हमने सीखा था किससे? पार्टिकल्स की बेस पे। तो हमने देखा था गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई, एक मोल पे कितने पार्टिकल्स होते हैं? एन ए। सो डिवाइडेड बाई एन ए। चलिए ठीक है, फिलहाल आप समझ गया ना, ये सब छोड़िए, ये सब का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? चलिए, इतनी सारी बातें हो गई, और कुछ नहीं। हमने कहा था हम इसको ऐसे ना याद करके दूसरे तरीके से याद करेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास बीच में मोल्स हैं, एक तरफ हमने लिख लिया मास, दूसरे तरफ हमने लिख लिया पार्टिकल्स। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ताकि अभी जब कैलकुलेशन करना होगा ना, तब फास्ट कैलकुलेशन कर सके। फॉर्मूले में थोड़ा सा टाइम लगता है बार बार लिख के चेक करने में, तो हम कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। अब जब भी देखिए, अगर हमें मोल्स से पार्टिकल्स निकालने हैं, अभी एक चीज आपको याद रखना, मोल्स से जब कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी और चीज से आपको मोल्स कैलकुलेट करना है तो डिवाइड करेंगे। क्या कहा हमने? अगर आपके पास मोल्स हैं और दूसरी कैलकुलेट करनी है आपको, तो मल्टीप्लाई। अगर आपके पास कुछ और है, आपको मोल्स कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड। क्योंकि देखिए, हम मोल्स से पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? हाँ, एन ए के इक्वल। सो मल्टीप्लाइड बाई एन ए। ऐसे ही देखिए, अगर मोल से मुझे मास निकालना है तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाई किससे? हाँ, मोलर मास से। ऐसे ही देखिए, अगर मुझे पार्टिकल्स से मोल्स निकालने रहेंगे तो, हाँ, क्योंकि अब मोल्स मुझे कैलकुलेट करना है, देन वी विल डिवाइड इट बाई एन ए। अगर मुझे मास से मोल्स कैलकुलेट करना हो तो डिवाइड बाई मोलर मास। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रहेगी। कर सकते हैं? चलिए, लास्ट क्लास हमने सीखा था कि हमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम छोटा सा एक ट्रिक यूज करेंगे और उस ट्रिक की हेल्प से अपना कैलकुलेशन फटाफट हम कर लेंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास हमने करा भी दिया था एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि एकदम आपको अच्छे से वो माइंड में बैठ जाए, ताकि जब हम उसको यूज करें तो आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। एक बात, दूसरी बात, आज का लेक्चर थोड़ा सा पीछे वाले लेक्चर से क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा होंगी। आई इसके बाद वाला लेक्चर और थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, यानी कि हम धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। बट आपको डरने की कोई बात
नहीं है, बस आप ध्यान से समझते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच काइंड ऑफ एटम्स एंड ऑल एटम्स प्रेजेंट इन 1.9 किलोग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमें ये दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि आप बताइए कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो अलग अलग टाइप के एटम्स, यानी हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनके क्या नंबर होंगे और क्या पूछा हमसे, टोटल कितने आइटम्स आएंगे, सब कैलकुलेट करना है, यानी कोई पुराने टाइप का क्वेश्चन है। तो बस करना क्या है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो बस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन इज इक्वल टू गिवेन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा गिवेन मास हमारा किस में होना चाहिए, हाँ किस में होना चाहिए, ग्राम में। ये जो दिया है हमें ये किस में दिया है, किलोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किलो का रिलेशन कितना होता है 10^3 का, तो 1.9 × 10^3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1900 अपॉन मोलर मास किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो देखिए मोलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, कितने एटम्स हैं यहाँ पर 4, टोटल कितना हो गया 64, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98, क्योंकि ये मोलर मास है तो यूनिट क्या रहेगी, ग्राम, तो आ गया 98 ग्राम। यहाँ तक कर सकते हैं, चलिए। तो आप तो अब तक तो आपने मोल्स कैलकुलेट करके बता भी दिया होगा मोल्स कितना आ गया। तो देखिए मोल्स हमारा कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, 20 मोल्स H2SO4, कितना आया 20 मोल्स। अब बताइए मॉलिक्यूल्स कितने हुए, जितना मोल्स उतने मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या कर सकते हैं कि 20 मोल्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम, NaH2SO4। पहला आंसर तो आ गया हमारा, मॉलिक्यूल्स निकालना है तो बहुत सिंपल सा, जितना मोल्स आया मोल्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे Na, क्योंकि 1 मोल 1 Na के इक्वल होगा, तो 20 मोल्स 20 Na के इक्वल, तो 20 Na क्या हो गया हमारे, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इतना कर सकते हैं, बस अगर आप इतना कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हम देखिए शॉर्ट वे में कराते हैं, आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में, आप यहाँ से कॉपी मत करिएगा, कॉपी करने के लिए हम जो PDF देंगे वहाँ पे, या भी अभी शो करेंगे वहाँ से करिएगा, यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे ना। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। ऐसे हम टोटल एटम्स पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे टोटल कितना हुआ 2, 1, 3, 4, 7 टोटल एटम्स हैं, है ना। अब हमसे कह रहा है कि आप बताइए कितने मोल्स के लिए, 20 मोल्स H2SO4 के लिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए 20 मोल्स H2SO4। ध्यान रहे आप मोल्स लिख रहे हैं ना, मोल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, Na का यूज करेंगे। देखिए 20 पहले ये 2 था, तो 20 × 2 कितना हो गया 40, Na क्या हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। वैसे ही 20 ये 1 था, तो 20 × 20 क्योंकि मोल्स है तो क्या यूज करेंगे हम, Na, क्या ये सल्फर एटम। अब देखिए ऑक्सीजन एटम कितना है 4, 20 मोल्स यानी कि 24 × 80 क्या, हाँ Na ऑक्सीजन एटम्स। हमसे टोटल भी पूछा गया है तो टोटल कितना था 7, 20 मोल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 Na, ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बात समझ में आ गई, चलिए कितना आया है हमारा एक बार चेक कर लीजिए। देखिए 40 Na हाइड्रोजन एटम्स, 20 Na सोडियम एटम्स और 80 Na ऑक्सीजन एटम्स, सबको ऐड करेंगे तो देखिए कितना 140 आ जाएगा। तो अब चाहे तो इसको ऐसे ऐड कर लीजिए, या फिर जैसे ये सारा कॉलम बनाते हैं उसी के साइड में एक और कॉलम बना लीजिए करिए किसका, टोटल एटम्स का, और आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर मैच करा लीजिए। देखिए कितना आएगा 40 Na हाइड्रोजन एटम्स, 20 Na सोडियम एटम्स, 80 Na ऑक्सीजन एटम्स एंड टोटल 140 Na। अगर हमसे एग्जैक्ट नंबर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, जहां Na है उस Na की जगह हम क्या लिख देंगे, हाँ उस Na की जगह पर हम 6.022 × 10^23 का वैल्यू रख देंगे,
कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, ये क्या हो गया, खैर फिलहाल ये तो कुछ गड़बड़ी हो रहा है। एक काम करते हैं, ये क्या हो गया आज इसको, एक मिनट हम आपको पॉज कर लेना। ओके सॉरी, टेक्निकल इशू आ गया था, अभी सही है। तो आपको समझ में आ गया तरीका, हमें ये तरीका क्यों करना था कि मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो सके, हर बार मुझे इतना टाइम नहीं होगा कि हम पुराने वाले तरीके से सॉल्व करें, तो आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? चलिए एक आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा। हाँ अब जाके थोड़ी सी मुश्किलें आपकी क्या हो जाएंगी, अब बढ़ेंगी। खैर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना न करना पड़े। देखिए क्या दिया है, कई बार हमसे मास ऑफ एलिमेंट पूछ लेता है, ठीक है, हमें कोई एक मॉलिक्यूल दे देगा, उस मॉलिक्यूल में पूछ लेगा बताइए कि उसके जो एलिमेंट है उसका क्या मास है, उसको कैसे करते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, मास ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन मास ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड या मॉलिक्यूल के मास से हम किसी भी एलिमेंट का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। वो क्या है पहला एग्जांपल, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। SO3 गैस में 16 ग्राम है, उसमें से हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन का कितना मास है। बात ध्यान समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि एक SO3 कंपाउंड है जो कि आपने कितना लिया है, 16 ग्राम, ठीक है। अब पूछ रहे कि 16 ग्राम में सल्फर भी होगा ऑक्सीजन भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो बताइए कि ऑक्सीजन का कितना पार्टिसिपेंट्स है, यानी कि कितना शेयर ऑक्सीजन का है, कितना ग्राम उसमें ऑक्सीजन है, हमें ये निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है पहला तरीका। देखिए करना क्या, आपको मोलर मास लिख लेना है जो कंपाउंड दिया गया उसका, दूसरी तरफ आप उसका मोलर मास लिखेंगे जिसका आपको मास कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीजन लिखेंगे, सल्फर कैलकुलेट करना रहता तो क्या लिखते हैं, सल्फर। तो देखिए मोलर मास ऑफ SO3 सल्फर का कितना होता है, 32, ऑक्सीजन के एक एटम का 16, यानी टोटल कितना हो गया 48, 48 एंड 32 यानी कि 80 ग्राम। देखिए हम क्या लिखेंगे, 80 ग्राम SO3 में 16 ग्राम क्या है हमारा, ऑक्सीजन एटम है। तब हमें ये बताइए कि एक ग्राम SO3 में कितना, एक ग्राम SO3 में कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा, कुछ नहीं करना है, 80 को इस साइड लेके आएंगे, जब आप इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होता है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 60/80। अभी एक्चुअली जो आपका कंपाउंड है उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना मोलर मास है, 48। तो बस क्या करना है, आप 1 ग्राम की जगह 48 ग्राम लिखेंगे, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा हो गया, तो इधर जो नंबर आया था उसमें क्या करेंगे, आप 48 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ये तो रहा पूरा का पूरा मैथ्स, आप सबकी मैथ्स अच्छी है तो आप लोग को बिल्कुल आसान लगेगा और आराम से कर सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मेरे पास एक और तरीका है जो कि मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आसान है। वो देखिए वो क्या है, ठीक है, जो पुराना मेथड हमने सीखा था उसका यूज करके हम सॉल्व कर देंगे। देखिए हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था 16 ग्राम सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, राइट। तो हम पहला काम क्या करें, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे किसके, SO3 के। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास 16 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना आया था अभी पीछे कैलकुलेट किया था आपने ना, 80 ग्राम, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0.2 मोल हो जाएगा। ये 0.2 मोल क्या आया हमारा, SO3। हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन के लिए ना। तो बताइए हम पहले यहाँ से क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए SO3 ये 0.2 मोल है, ठीक है। अब हमें ये बताइए
कि वन मॉलिक्यूल में, इसको अब हम इरेज कर देते, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वन मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल SO3 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? थ्री, तो थ्री लिख लीजिए। अब हमसे कह रहा है कितना मोल, 0.2 मोल, तो 0.2 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 Na लिख सकते हैं। SO3 में कितना आ जाएगा, बस 3 into 0.2 लिख लेंगे, यानी कितना आ गया, 0.6 Na। ये किसका नंबर है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाँ हमसे तो पूछा जा रहा है, बताइए भाई इसका मास कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, यानी कि एक्चुअली ये क्या है, मोल ही तो है, तो आप चाहें तो इसको 0.6 मोल ही लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 0.6 मोल। जब भी आपको मोल से मास बनाना हो, याद है पीछे केस हमने कहा था, हाँ मोल से मास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि मास बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास से। किसके मोलर मास से, SO3 के नहीं, जिसके लिए हम कर रहे हैं ये सब काम, किसके लिए कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन के लिए। ये किसका नंबर है, ऑक्सीजन एटम्स का ना, तो ऑक्सीजन एटम का मोलर मास बताइए कितना आता है, हाँ एटम का 16, तो 16 लिख देंगे, 16 × 0.6 कर देंगे, कितना आ गया, 9.6 ग्राम। एक ये तरीका है, ये ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि अभी आप पीछे प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए क्या करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल लेंगे, 0.2 मोल है, एक एटम में तीन है, तो 0.2 मोल में क्या करेंगे, तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 0.6 मोल। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि हमसे पूछ रहा है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो बस इसी मोल में क्या करते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आंसर 9.6। तो अब आप देख लीजिए, आपको तरीका जो अच्छा लगे आप वो यूज करिए, आपको दोनों ही पता होना चाहिए ताकि आप अपने हिसाब से चूज कर सकें। अगर आप हमसे पूछेंगे तो ये ज़्यादा आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि अभी देखिए पीछे हमने ये कैलकुलेट करना सीखा, फिर पीछे ही हमने ये कैलकुलेट भी करना सीख लिया है, यानी कि यहाँ तक हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमें आता ही है, बस क्योंकि हमें मोल आ गया तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मास ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, सही है। तो बस सही है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया है ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन 0.408 किलोग्राम कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कितना दिया है, 0.408 किलोग्राम कैल्शियम सल्फेट है, राइट। तो पहला काम क्या करें, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें, एन इज इक्वल टू क्या होता है, गिवेन मास कितना दिया, 0.408 किलोग्राम दिया ना, तो पहले हम इसको क्या बनाएंगे, ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, 408 ग्राम आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा मोलर मास किसका, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम का हो गया 40, और इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाता है, 96, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 136, हाँ आप करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू आएगी मोलर मास की 136 ग्राम। आप एक चीज़ नोटिस किए, यहाँ जो मोलर मास लिख रहे हैं वो हम पूरा कैल्शियम सल्फेट का लिख रहे हैं, जबकि वहाँ पर सिर्फ हम ऑक्सीजन का लिखे थे, क्यों, क्योंकि वहाँ जो हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाला था या नंबर ऑफ मोल्स वो किसका था, सिर्फ ऑक्सीजन का था, इसलिए मोलर मास हमने किसका लिया, सिर्फ ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पे जो हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, पूरे कैल्शियम सल्फेट का है, इसलिए मोलर मास में हम किसका ले रहे हैं, पूरा कैल्शियम सल्फेट का ले रहे हैं। बस इसको कैंसिल करिए, देखिए ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 3 मोल। हमसे पूछ रहा कैल्शियम के लिए, आप हमें ये बताइए एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट में कितना कैल्शियम एटम है, एक ही है ना, तो अब हमसे ये पूछा गया है कि कितना मास आएगा, तो पहले तो हम नंबर निकाल लें, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स हम एक ही बार में पूरा कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा है, एक मॉलिक्यूल में कितना है, एक, तो वन मल्टीप्लाइड बाई कितने मोल्स में निकालना हमें,
थ्री मोल्स में मल्टीप्लाई बाई थ्री मोल, कितना आ गया? थ्री मोल आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? मास ना। तो बस हमें पता है कि मोल से अगर मास निकालना है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो देखिए मोलर मास किसका लिखेंगे, ये किसका नंबर अभी आया है? कैल्शियम एटम का। कैल्शियम एटम का मोलर मास कितना आता है? 43 या 120 ग्राम। ये आ गया आंसर आपका, बस इतना आसान सा है। अब मान लीजिए हमसे कह देता कि नहीं भाई आप हमें ऑक्सीजन के लिए करके दिखाइए, तो बस कुछ नहीं करना था, सब कुछ वही रहने दीजिए, यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई कितने मोल में निकालना है हमें? 3 मोल में, इंटू 3 मोल कितना हो जाएगा? 12 मोल हो जाएगा। तो 12 मोल को अगर हमें क्या करना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा, किसका? ऑक्सीजन एटम का। ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम ना, हाँ, इंटू 16 कर देंगे, ये हो जाएगा देखिए 192 ग्राम। देखिए अभी हमने किस तरीके से निकाल लिया, ऑक्सीजन का निकाला तो कितना गया 192 ग्राम, और इससे पहले किसे निकाला था हमने, कैल्शियम का कितना आया था 120 ग्राम। अब हम एक काम करते हैं, इसी तरह से सल्फर का भी निकाल लेते हैं। अब ये सल्फर का ओरल कर सकते हैं, देखते रहिए कैसे। यहाँ पे लिखेंगे सल्फर एटम, तो बताइए सल्फर के कितने एटम हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मोल, यानी कि कितना आ गया? 3 मोल आ गया। मोलर मास निकालना होगा किसका? इस बार सल्फर की बात हो रही है, तो सल्फर एटम का मोलर मास होता है 32 ग्राम। मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए कितना आ गया 96 ग्राम। ये मास किसका आ गया? हाँ, सल्फर एलिमेंट का। तो यहाँ पर सल्फर का मास लिख लीजिए 98 ग्राम। अच्छा अब हमें ये बताइए, हमने जो मास निकाला किसे, इसका ऑक्सीजन का, कार्बन का, और सॉरी ऑक्सीजन का, कैल्शियम का और सल्फर का, इन्हीं तीनों के मास से मिलके तो ये बना है, यानी कि ये जितना मास आएगा इसके इक्वल आना चाहिए। करके देख लीजिए 208 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? अच्छा सॉरी, यहाँ तो 96 आया है। अब देखिए 96 प्लस 120 कितना हो जाएगा 196, 216, 218 एंड 19 आप ऐड कर लीजिए, देखिए आ जाएगा भाई, आप करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 268, 9211 11 एंड ओके 9211 एंड 920 0 कैरी कितना हो गया 2 11224, हाँ 408 वो वैसे ही आएगा, बिल्कुल सही है। तरीका आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? हाँ, पहले आपको मोल्स निकाल लेने हैं, उस मोल से जिस एलिमेंट का मास आपसे पूछा गया है उस एलिमेंट का नंबर निकाल लीजिए उतने एटम्स का, और उसी के मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर तो चेक ही नहीं किए हम लोग, देखिए 120 ग्राम किसके लिए हमने निकाला था? हाँ, कैल्शियम के लिए, सही है। तो ये रहा अब आपका होमवर्क, कितना है, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए हैं, और तीनों क्वेश्चन के आंसर्स भी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, आप आराम से करके प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये थोड़ा सा अलग है, इस बार अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। चलिए देखिए क्या है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा लगाना है बस। देखिए क्या दिया, व्हाट मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल कंटेन 4 Na ऑक्सीजन एटम्स। लो इस बार क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि आपको ऑक्सीजन एटम दे दिए हम, कह रहा है कि आपके पास कितना है, 4 Na ऑक्सीजन एटम्स हैं, आप हमें ये बताइए कि इतने ऑक्सीजन एटम्स कितना मास सल्फर डाइऑक्साइड में पाए जाएंगे। यानी कि ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 4 Na ऑक्सीजन एटम्स हैं तो बताइए वो सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मास में पाए जाएंगे। यानी कि अब तक क्या कह रहा था, पूछ रहा था बताइए कि ऑक्सीजन एटम का मास कितना आएगा, ऑक्सीजन एलिमेंट का मास कितना आएगा। अभी ये कह रहा है कि नहीं नहीं हम ये नहीं पूछेंगे, आपके पास हम बता दिए कि हमें इतना ऑक्सीजन एटम है,
बताइए इतना ऑक्सीजन एटम सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मास में आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैथ यूज करेंगे और आराम से हो जाएगा। देखिए हम क्या लिख लेंगे, पहले वन मोल SO2, वन मोल SO2 में हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, जो एलिमेंट हमें दिया है, किसकी बात, ऑक्सीजन का ना, कितना दिया हमें, 4Na दिया है। 4Na का मतलब क्या कह सकते हैं, 4 मोल कह सकते हैं ना। तब चलिए बात करते हैं अपने वन मोल SO2 में, बताइए कितना ऑक्सीजन है। हाँ ध्यान से देखिए, कितना है, 2, एक मॉलिक्यूल में दो होंगे तो एक मोल में कितना हो गया, 2 मोल ऑक्सीजन एटम, ये लिख सकते हैं। हाँ अगर यहाँ सल्फर दिया होता तो हम क्या करते, लिखते वन मोल SO2 हैज, कितना, एक ही सल्फर एटम है तो एक मोल सल्फर एटम, ये बात समझ आ रही है। पहला स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो कंपाउंड दिया है आप उसका वन मोल लेंगे, और जो एलिमेंट आपको दिया है या एटम दिया है उसी एटम का मोल में नंबर लिखेंगे, बाकी किसी का नहीं, सिर्फ उसी का। क्योंकि देखिए SO2 में ऑक्सीजन के दो एटम हैं तो एक मोल में कितना हो गया, 2 मोल हो जाएंगे, ये कर सकते हैं। तो बस पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, अभी जो 2 मोल ऑक्सीजन दिया है आपके पास, आप इसको वापस से क्या बनाएंगे, एक मोल बना देंगे, क्या करेंगे, एक मोल। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस 2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आना होगा। तो देखिए जब राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आएंगे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये पहले से ही 1 था, 2 इधर आएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा हमने क्या कहा, पहले 1 मोल SO2 लिख लीजिए, जो दिया है आपके SO2 के नंबर में ऑक्सीजन का उतना मोल्स हो जाएगा। फिर ये जो नंबर अगर 1 नहीं है तब पहले इसको 1 बनाइए, क्या करिए, इसको 1 बनाइए। तो 1 मोल बनाने के लिए इस नंबर से इधर डिवाइड करना होगा, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया, 1/2। देखिए हम क्यों कर रहे हैं, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। ये हमने बना दिया 1 मोल, एक्चुअली हमारे पास कितना है, 4Na, 4Na का मतलब 4 मोल्स हैं। तो बस हम क्या करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, इधर और इधर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये तो हो गया हमारा 4 मोल, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन गया, 2 मोल SO2, सॉल्व कर देंगे, ये आ गया 2 मोल SO2 है। क्या ये मास है, नहीं, मास कैसे निकालते हैं, मोल में मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, मोलर मास का। तो बस देखिए आपके पास 2 मोल है भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। अच्छा 2 मोल क्या है आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो मोलर मास में किसका लेंगे आप, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका मोल लेते हैं उसी का मोलर मास भी लेंगे। तो देखिए इसका मोलर मास कितना आएगा, 32 और 16 × 32 टोटल 64 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से, ये आ जाएगा 128 ग्राम आंसर, क्योंकि मोलर मास ग्राम में होता है, तो ये नंबर भी आंसर भी किसमें आएगा आपका, ग्राम में, यानी कि 128 ग्राम में आपके पास 4 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, कितने होंगे, 4 मोल ऑक्सीजन एटम। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप क्वेश्चन को उल्टा करके कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास 128 ग्राम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और आपसे कहा दिया गया कि बताइए ऑक्सीजन एटम्स कितने आएंगे, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 4Na के इक्वल आएगा, कर सकते हैं। चलिए अभी कुछ कुछ आइडिया लगा, फिर से आपको करना क्या है, पहले जो मॉलिक्यूल दिया है उसका वन मोल लिख लेना है, वन मोल में जो एटम दिया है उसके नंबर को लिख लेना है, फिर उस नंबर को अगर वन नहीं है तो वन बना लीजिए। नेक्स्ट स्टेप थर्ड में, जितना नंबर आपसे कहा है निकालने के लिए उतने नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको हर बार क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ द कंपाउंड मिलेगा, ये जो कंपाउंड है मॉलिक्यूल उसका मोल मिल जाएगा। अगर ये मिल गया तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात। चलिए एक और क्वेश्चन होना चाहिए, उसको करते हैं। ये देखिए मान लें 28 ग्राम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद से एक बार ट्राई करिए, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना ग्राम लें हम कि उसमें 6Na, 6Na का मतलब 6 मोल ऑक्सीजन एटम होने चाहिए। फटाफट वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, कर लिया आपने, अब हम करें। चलिए पहला काम लिखेंगे हम 1 मोल H2SO4,
किसके लिए बात किया गया, ऑक्सीजन एटम के लिए। ठीक है, तो देखिए एक मोल में कितना ऑक्सीजन एटम है, 4। हम लिखेंगे 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब हमें मालूम है अगला काम क्या है, इस 4 को 1 बनाना है। तो बस क्या करिए, यहाँ लिख लीजिए 1 मोल और इस 4 को उठा के इधर लेके आइए। ये पहले से 1 है, ये अब क्या हो जाएगा, 1/4 मोल H2SO4 हो जाएगा। हो जाएगा, हमें जो दिया है 6Na चाहिए, 6Na का मतलब 6 मोल चाहिए हमें। हम इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या है, 1/4 है, इंटू 6 करेंगे ये हो जाएगा 2 × 3। यहाँ से आ जाएगा आपका 3/2 मोल क्या, H2SO4। क्योंकि अब आपको मोल्स पता है तो आप अपना मास निकाल सकते हैं। क्या करना होगा आपको, उससे मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। मोल्स किसका पता आपको, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मोलर मास देखिए कितना आएगा, हाँ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 98 ग्राम आएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए 49 × 3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 147 ग्राम आ गया आंसर। चेक कर लीजिए आपका आ गया होगा आंसर, सही है। हाँ आप तो हमसे ज़्यादा फास्ट है, देखिए 147 ग्राम आंसर आएगा, 147 सही है। आगे बढ़ें, चलिए तरीका आपको समझ में आया है, हाँ हमको जो सिखाना वो तरीका है आपको। फिर देखिए इसी बेस पे 3-4 क्वेश्चन है आपके पास होमवर्क में, आप ट्राई करेंगे, आंसर भी आपको दिया रहेगा। हाँ आपको एक छोटी सी बात और बतानी है, अगर आप भूल गए हो तो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्वल टू। अब देखिए आपके पास मैग्नीशियम भी है और क्लोरीन भी है, आप किसके साथ डील करेंगे, जो आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया, 5 मोल्स क्लोरीन दिया है ना, हाँ आप उसमें क्लोरीन का नंबर लिखेंगे कितना, 2 मोल, क्योंकि 2 है तो 2 मोल क्लोरीन होगा उसमें। अभी बात समझ में आ गई, तो बस अब आप आगे कर लेंगे खुद से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नेक्स्ट देखिए, हाँ ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये देखिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, दिस विल बी 54 किलोग्राम या 54,000 ग्राम, सही है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन हमें वो डिफरेंस पहले से पता है तो हमारे लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या है देखिए क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा ध्यान से देखिए, तो फिर से वही चीज़ आ गई, फिर से हमें कंपाउंड का मास निकालना है, यानी तरीका वही रखना है। ठीक है, विल कंटेन 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लो कर लो बात, अब तक तो हमें यहाँ पर मोल्स देता था ना, एनए में देता था या मोल्स में देता था, तो हम डायरेक्ट एनए दिया तो भी मोल्स में निकाल लेते थे, मोल्स देता था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ पर वो चीज़ दिया ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं टेंशन मत लीजिए, आपको मास दिया है ना, आप मोलर मास जानते ही हैं ऑक्सीजन का, आप यहाँ से मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप पहला काम क्या करेंगे, पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना आपका 128 ग्राम, मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन एटम का 16, डिवाइड करिए देखिए कितना बार में हो जाएगा, 8 टाइम्स में, 8 × 6 = 48, हाँ ये आ गए 8 मोल्स ऑक्सीजन। तो बस अब आपको 8 मोल्स ऑक्सीजन मालूम चल गया तो लिख लेंगे, पहला लिख लेंगे आप 1 मोल H2SO4, हाँ अब आप खुद से ट्राई कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फटाफट कर लीजिए, 1 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन के साथ डील करना है तो 4 मोल क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अब हमें इसको 1 मोल बनाना होता है, हम लिख लेंगे 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इस 4 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 मोल H2SO4, क्योंकि हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, 8 मोल चाहिए, हम दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मोल ऑक्सीजन एटम, फिर 8 से इधर भी मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1/4 × 8 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा
टू मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड आया है आपका भी सही है। क्या ये आंसर है? नहीं। आंसर कैसे आता है? हाँ, जब इसमें अभी मल्टीप्लाई करेंगे किसका, मोलर मास का, तो टू इंटू ये किसका मोल्स है, सल्फ्यूरिक एसिड का ना, तो हम मोलर मास भी किसका लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए पीछे कैलकुलेट किए थे, आप चाहें तो फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आएगा, 98 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 196 ग्राम आंसर। बस हो गया, पास समझ आ रही है? हमने नया क्या सीखा? कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं सीखा हमने। क्या ये मोल्स कैलकुलेट करना, वो तो हमें पहले से आता था, बस हमने ये देखा कि कई बार हमें मोल्स साफ साफ दिया रहेगा, कई बार मोल्स साफ साफ हमें नहीं दिया रहेगा, तो हम मोल्स को पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, फिर अपना यही तरीका यूज करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आंसर चेक करिए। कितना है? 196 ग्राम, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, एक और ट्राई करें, छोड़ दें, चलिए करा देते हैं। क्या दिया? व्हाट मास ऑफ CH4 विल कंटेन 56 ग्राम हाइड्रोजन, पूछ रहा है CH4 में, नहीं CH4 का कितना मास लेंगे, उसमें 56 ग्राम क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। बहुत सिंपल है, मोल्स तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो मोल्स कैलकुलेट करना ही आता है। क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, 56 ग्राम हाइड्रोजन है तो गिवन मास कितना दिया है, 56 ग्राम। मोलर मास किसका लेंगे, जिसका मास है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मोलर मास, हाँ 1 ग्राम, डिवाइड करने का कोई मतलब थोड़ी है, 56 मोल्स आ गया। अगर ये आ गया तो बस मेरा काम हो गया। क्या लिखेंगे अब हम? 1 मोल CH4 किसमें, हाइड्रोजन में दिया है ना, तो ठीक है कितना हाइड्रोजन का मोल होगा, 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है हमें, यहाँ से हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो 4 मोल लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो बताइए ये 4 क्या करेंगे, इधर ले आकर डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1/4 मोल CH4 हो जाएगा। अभी आप समझते रहिए, PDF जब हम शो करेंगे तो वहाँ पे तो आपको सब कुछ दिया ही है, क्योंकि WhatsApp पे हम PDF ग्रुप आपको भेज देंगे, तो आप वहाँ से आराम से कॉपी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए तो ये आ गया 1/4, हमें कितना चाहिए, 56 मोल्स चाहिए ना, हम 56 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 56 मोल्स क्या, हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ भी 1/4 में 56 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 मोल्स, कितना हो जाएगा, 14 मोल्स क्या है, ये मीथेन है ना, CH4। अच्छा पता है मीथेन को मार्सी गैस भी कहते हैं, टेंथ में सिखाए थे ना आपको, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दलदल वाले इलाकों में मिलता है। चलिए हमसे तो मास पूछा गया था, क्या करें, 14 इंटू मोलर मास किसका, मीथेन का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1/4 16, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए आ जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 224 आंसर आ गया आपका, 224 ग्राम, चेक कर लीजिए। अच्छा आंसर नहीं दिया क्या, दिया होगा नेक्स्ट पेज पे दिया होगा, आंसर कहाँ जाएगा, हाँ ये कैसा आंसर दिया है, 616 ग्राम, ये तो CO2 का दिया है आंसर, ये क्वेश्चन है, एक मिनट, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, ये ब्लैंक क्यों है, कुछ गायब हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, अच्छा लग रहा है हम गलत लिख दिए भाई, देखिए ये मिसप्रिंट है, पीछे के क्वेश्चन में कितना आया है, CH4 था ना, अपने मन से सब चेंज हो जाएगा, CH4 कितना आया, 14 मोल्स, तो मास ऑफ CH4 14 इंटू CH4 का मास कितना आता है, अभी तो कैलकुलेट किए थे, हाँ 16, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 6 जा 64, 14 1 जा 14 एंड 6 20 नहीं 22,
तो ये आंसर आएगा आपका 224 ग्राम। वही पीछे वाला आंसर आएगा भाई, कितना 224 ग्राम। समझ में आ रहा है मेरी बात, कर सकते हैं अब आप लोग? हाँ, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलिए अभी जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना होमवर्क की, और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए तो होमवर्क देख लीजिए आपका क्या है, ये एक, ये दो और ये एक तीन, ये तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये तीनों के आंसर हैं, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको याद करनी है, क्या करना है, याद करना है। आधा तो हम पहले याद करा चुके हैं, बट चलिए कोई बात नहीं। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है। चलिए आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने से पहले आप पहले ये जान लीजिए आइडियल गैस होता क्या है। देखिए एक चीज़ आपको पता है ना कि जितने भी सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, होता है नहीं होता है, होता है ना। अगर मेरे पास कुछ ऐसे गैस हैं जिस गैस में, सॉरी, जिस गैस के पार्टिकल्स में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, क्या कहा हमने, जिस गैस के पार्टिकल्स में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, उन गैसेस को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। तो सर ऐसे कौन से गैस है, नाम भी बता दीजिए। ऐसा कोई गैस ही नहीं है। हाँ हाँ, एक्चुअली आइडियल गैस कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, रियल गैस जो है हमारे पास, अब ये रियल गैस कौन है, इसी का उल्टा, जिनके बीच पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है, जो भी गैस आप जानते हो, मीथेन गैस हमने देखा ना, वो क्या है, रियल गैस है। सब गैसेस रियल हैं, लेकिन रियल गैस को किसी एक फिक्स कंडीशन में हम आइडियल गैस की तरह बना सकते हैं। यानी कि आइडियल गैस रियल गैस से बनाया जा सकता है, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता। ज़्यादा सोचिए मत, ये चैप्टर 5 गैसेस स्टेट, हमें एक चैप्टर मिलेगा वहाँ पे हम आराम से सो बहुत बाकायदा इसका डेरिवेशन वगैरह सब सिखाएंगे, कौन सी कंडीशन पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस आप इतना जानते रहिए कि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता, रियल गैस कोई आइडियल गैस की तरह बनाते हैं। आइडियल गैस की स्पेशलिटी क्या है, इनके पार्टिकल से बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिपल्सन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए तो आप एक छोटा सा रिलेशन याद रखेंगे, क्या है वो, पी वी इजिकल टू एन आर टी। पी क्या है हमारा, प्रेशर। वी क्या है हमारा, वॉल्यूम। एन क्या है, हाँ अब तो पता चल गया होगा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है, ये तो हमें बताना पड़ेगा ना, दिस इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जैसे है वैसे याद रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0821। क्या होती है, 0.0821। चलिए खैर अभी तो सारी वैल्यू लिखा हुआ है नीचे, परेशान मत होइए। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो सबको पता है, बच्चे बच्चों को पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कैलकुलेशन हम टेम्परेचर यूज करेंगे, हम टेम्परेचर किस में यूज करते हैं, इसके SI यूनिट में, क्या होता है वो, हाँ केल्विन। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन जब भी आप यूज करेंगे, टेम्परेचर को हमेशा आप किस में लिखेंगे, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाने आता है आपको, हाँ कितना ऐड करना पड़ता है हमें, प्लस 273.15। ये एग्जैक्ट है, लेकिन हम ऐड कितना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 273। एग्जैक्ट पता होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट हम यूज नहीं करेंगे। चलिए सबकी भी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। आप देखिए SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, पास्कल। इनके कुछ और भी यूनिट्स हैं जो कि आपको पहले भी हम एक बार पढ़ा चुके हैं, आपको कहे थे याद कर लीजिएगा। याद कर लिया आपने, अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। क्या है, प्रेशर का यूनिट ATM भी होता है, इसका पूरा नाम होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए 1 ATM, ये सब यूनिट किसके हैं, प्रेशर के हैं। ATM, बार, पास्कल, पास्कल तो पता ही है, टोर और मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये सब यूनिट किसके हैं, हाँ प्रेशर के हैं। तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, जैसा आपको पता है ना 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो वैसे कुछ ये वैल्यू है आपको याद रखना होगा। 1 ATM में 1.013 bar, कितना, 1.013 bar। 1 ATM अगर पास्कल में पूछा जाए तो 1.01325 × 10⁵ पास्कल, या 1 ATM की वैल्यू 760 tor भी हो सकता है,
या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो सकता है। ये यूनिट है, आप बस इसको याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर ज़रूरत हमें जो पड़ेगी वो तो ये तीन की है बस, वो भी ज़रूरत पड़ेगी कभी कभार, लेकिन हाँ याद हो जाएगा तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अभी ये चीज़ आपको फिर कब मिलेगी, चैप्टर फाइव जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे और एक आग यूनिट आपको याद कराएंगे हम। तो भाई पहले से याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉल्यूम। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, हाँ मीटर क्यूब। कन्वर्जन इसके भी याद रखेंगे आप। 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना होता है, 1000 लीटर। कितना, 1000 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 मिलीलीटर। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, मीटर से छोटा कौन होता है, डेसीमीटर। डेसीमीटर से छोटा कौन होता है, सेंटीमीटर। ये देखिए, ये नंबर लगातार 1000 से डिवाइड हो रहा है, 1000 डिवाइडेड बाई 1000, 1, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1000, कितना हो जाएगा, 1/1000। 1/1000 लीटर का मतलब होता है 1 मिलीलीटर। खैर आपको उतने से क्या मतलब, आप तो सोच रहे हैं सर मैथ पढ़ाने लगे, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है। क्या, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। नेक्स्ट टेम्परेचर की बात कर लीजिए, ऐसा यूनिट इज केल्विन, यह तो सबको पता है। नेक्स्ट आर, आर क्या हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी दो यूनिट होती हैं, एक तो ऐसा यूनिट जो कि इसमें लिखी जाती है जूल पर केल्विन पर मोल। क्या लिखा जाता है, जूल पर केल्विन पर मोल। वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू हम यूज बहुत ही न के बराबर करेंगे, एकदम थोड़ा सा कभी कभार जब करना होगा तो हम बता देंगे आपको। हम जो यूज करेंगे वैल्यू वो कौन सी है, ये सेकेंड वाली, वो क्या है, 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। आपको एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है वो क्या है, यूनिट। अगर आप आर की वैल्यू ये रख रहे हैं तो उस केस में आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, एटीएम में होना चाहिए। वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए। टेम्परेचर केल्विन में और नंबर ऑफ मोल्स वो तो मोल में रहता ही है। यानी कि आपको ध्यान बस इतना रखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम एटीएम और लीटर में ही होना चाहिए। अगर आपको मिलीलीटर दिया है तो पहले लीटर बना लेंगे, अगर आपको बार दिया है तो पहले क्या बना लेंगे, एटीएम। अगर बिना यूनिट कन्वर्जन किए आपने वैल्यू रख दिया तो फिर आपका गेम हो जाएगा और आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो रख सकते हैं इतनी छोटी सी बात ध्यान, हाँ आप तो अच्छे बच्चे हैं, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर किसको कह रहे हैं, हम थोड़ी अच्छे हैं। नहीं, आप सब अच्छे हैं। देखिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ अब आप खुद से ट्राई करिए एक बार। हमारे पास क्या क्या दिया है, देखिए वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है और नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, बताइए। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हम, क्योंकि अभी तो आपको याद करना है आज ना। क्या है, पी बी इजल टू एन आर टी, लगाइए फटाफट। अच्छा आर की वैल्यू भूल गए, अच्छा आर की दो वैल्यू बताए थे ना, कैसा यूनिट 8.314 वो यूज नहीं करेंगे, कौन सा यूज करेंगे हम, हाँ दूसरा वाला। क्या है, आर इजल टू 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ये है यूनिट उसका, क्लियर है। तो बस अब क्या करना है, वैल्यू उठा के रख दीजिए, कर लेंगे कि हम कर दें, चलिए हम कर देते हैं। पी बी इजल टू एन आर टी, देखिए पी दिया हमें कितना, 2 एटीएम, यूनिट सही है तो कन्वर्टर करने की, कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम क्या दिया है, 50 मिलीलीटर, हमें किस में चाहिए, लीटर में। तो मिली और लीटर का रेशा कितने का होता है, हाँ 10^-3 का, तो बस डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 50/1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर एन आर की वैल्यू है 0.0821 इंटू टेम्परेचर, देखिए किस में दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। तो क्या करेंगे, प्लस कितना, 273, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 300 केल्विन। तो यहाँ क्या रख देंगे हम,
300। बस अब क्या करना है, अब सारी वैल्यू उठा के उधर कर दीजिए, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। वो भी कर दें, देखिए फिर वही वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिए, फाइव से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर टू से कर दीजिए ये 10 टाइम्स हो गया। यहाँ से वैल्यू आ गई क्या हमारी, पीछे नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देखिए इधर बचा हमारा 1/10, इधर क्या है n r इंटू टी 0.0821 था, तो 3 × 1 = 3, 6, 4, 2 और कितना था 0.0, ठीक है। तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.2463। हमें क्या चाहिए, हमें तो n चाहिए ना, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन आ जाएगा ना, 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.463। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए ये 2.5 का राउंड है, तो ये वैल्यू लगभग 0.4 के आसपास आ जाएगी, हाँ 0.4 के आसपास आने के चांसेस हैं। आप देख लीजिए आंसर दिया होगा, कैलकुलेशन तो खैर आपको ही करने हैं। सॉरी कितना आएगा, 0.004 मोल्स कर लेंगे, हाँ कन्वर्जन आपको आता है आप अपने से कर लीजिएगा भाई, उतना तो आप कर ही सकते हैं। सही है, सच में सही है, 3 × 8 = 24। हाँ एक्चुअली हमने वहाँ पर 00 छोड़ दिया था मल्टीप्लाई करते वक्त, जब हम 300 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो छूट गया था, तो अब आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका होमवर्क टाइम आ गया, तो ये है आपका छोटा सा होमवर्क, जो देखने में क्या दिख रहा है आपको, बड़ा सा दिख रहा है ना, लेकिन है किसका, छोटा सा। देखिए वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, आर की वैल्यू भी दे दी है, हम आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, आंसर भी दिया हुआ है, ये आ गया आंसर, कर लेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।